आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से एक ऐसा नाश्ता जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया 1 कटोरी गेहूं का आटा और टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे। और ये नाश्ता क्या है, हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो एक तो ये हम चीज़ मैदा से बनाते हैं तो वो लगता है कि ज़्यादा मैदा हम यूज़ करते हैं तो पेट के लिए सही नहीं रहता। और आज हम तैयार कर रहे हैं गेहूं के आटे से, तो हम इसमें पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। इस तरह से मिक्स करते रहेंगे इसको। और एक इसका जैसे डोसे का बैटर रहता है ना, उस तरह का एक बैटर तैयार करेंगे। अब हमारा ये इस तरह का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब हम ले लेते हैं एक फ्राई पैन, इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच राई, इसको इस तरह से भून लेते हैं। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच चने की दाल और 1/2 चम्मच उड़द की धुली दाल। इन दोनों को भी इसके साथ ही भून लेते हैं। अब ये देखिए हमारी दाल अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 प्याज, इसे मैंने बारीक कट कर लिया। और साथ में मैं डाल दूंगी 1 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट दिया। और अब इन दोनों को हमें अच्छे से भूनना है। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ ये 4 से 5 कड़ी पत्ता। अब हम प्याज अपनी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो प्याज है वो भी भुन गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टमाटर, मैंने इसे बारीक कट कर लिया। और इसके साथ इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसकी जो गैस है वो बंद कर देते हैं। और इसी जो इसकी गर्माहट है ना, उसी में हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी जब हम इसका नाश्ता बनाएंगे ना तब अच्छे से हो जाएंगे। अभी हमारा मसाला इसके लिए तैयार है। अब मैंने ये 4 से 5 ना कड़ी पत्ते ये बारीक बारीक कट कर लिए हैं, इसको मैं डाल देती हूँ। अभी हम अपना जो मसाला हमने तैयार करा है ना, ये हम अपने बैटर में डाल देते हैं। अब हमने एक तवा गरम कर लिया है। अब इस पे मैं डालती हूँ 2 चम्मच, ये छोटा सा है, इसको इस तरह से डाल के और इसे फैला देते हैं। इसमें उतना बैटर डालें जितना आपको बड़ा चाहिए। हम छोटे छोटे बना रहे हैं ना तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसे। अब ये देखिए इस तरह से हमने फैला दिया। अब हम इसके किनारों पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देते हैं। अब ये 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से धीरे से, और हम दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब ये देखिए हमारी दूसरी साइड से भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया या नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलरफुल बिल्कुल बन के तैयार हो रहा है। और ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चे क्या रोटी या पराठे खा के बोर हो जाते हैं ना, तो आप एक अलग सा यूनिक नाश्ता उनको बना के देंगे तो वो बहुत पसंद करेंगे। अब हम इसे उतार लेते हैं। अब हमारा नाश्ता बन के तैयार है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।